Islam is a way of life. Is it a way for running a country? ये इस्लाम में जिस तरीके से बहुत से अहकाम हमारी इनफरादी ज़िंदगी के बारे में दिए गए हैं, इस तरह कुछ अहकाम मैंने अपनी किताब में मुतय्यन करके बता दिया है कि 5 अहकाम हैं। ये अगर किसी जगह मुसलमानों के पास हुकूमत हो तो उनको भी दिए गए, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस्लाम आपको ज़िंदगी के हर मामले में रहनुमाई देने के लिए नहीं आया, ज़िंदगी के तमाम मामलात में अक्ल दी गई है इंसान को, उससे वह रहनुमाई हासिल करता है। सेहत के मसाइल हैं, दवाओं के मसाइल हैं, तिब के मसाइल हैं, इंजीनियरिंग के मसाइल हैं, सोशल साइंसेज के मसले हैं, इनमें अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद छोड़ा है। वो फैसले करे, वो राय कायम करे, वो नई चीज़ें ईजाद करे, वो दुनिया का सफ़र जारी रखे। अलबत्ता जो आने वाली दुनिया है, उस आने वाली दुनिया में आपको दाखिल होने के लिए अपने आप को प्योरीफाई करना है, बदन को भी पाक रखना है, खाने पीने को भी पाक रखना है, आला अखलाक कायम करने हैं और अखलाक की पाकीज़गी इख्तियार करनी है। इसके लिए पैगंबर कुछ तालीम देते हैं, और ये तालीम बड़ी महदूद होती है, यानी उसी दायरे में दी जाती है जिसमें इसकी ज़रूरत है, बाकी चीज़ों को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। तो सियासी मामलात में भी चंद अहकाम दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर आप, मैं एक हुक्म की मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद ने जब ये कहा कि अगर तुम्हें कहीं इक्तदार हासिल हो जाए तो खुदा तुमको हुक्म देता है कि लोगों के साथ अदल के साथ मामला करो, अन तहकुम बिल अदल, और दूसरी बात क्या कही, वन तवद्दुल अमानाते इला अहलिहा, और सारे फैसले मेरिट की बुनियाद पर करो। तो अब ये एक हुक्म दे दिया गया। तो इस तरह के कुछ अखलाकी अहकाम हैं जो अल्लाह ताला ने रियासत हुकूमत के बारे में भी मुसलमानों को दिए, ताकि वो पाकीज़गी के साथ अपनी हुकूमत का नज़म चलाएं और अल्लाह ताला के बंदे बनकर रहे। लेकिन ये चंद अहकाम हैं, इनमें ये नहीं किया गया कि आपके ट्रैफिक के उसूल क्या होंगे और आपने मालगुजारी का निज़ाम कैसे बनाना है और आपके ताज़ीरात के क्या ज़ाब्ते होंगे, ये सब चीज़ें हम पर छोड़ दी गई हैं। चंद चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत दी है, तो इसको इसी तरह बयान करना चाहिए।